नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय हिंदी में आपका स्वागत है। हमने पहले के वीडियो में देखा था कि सवैये जो काव्य थी जिसके कवि रसखान है, रसखान जी के बारे में समझाया और शब्दार्थ को समझने का प्रयत्न किया था। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि रसखान जी ने इन सवैयों में कृष्ण नहीं कृष्णभूमि के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया है और इसने कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। मुसलमान कवि होते हुए भी उन्होंने हिंदू भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चलाना, धेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और अंग के साथ जिस प्रकार नाचकर भक्ति की जाती है, उस प्रकार नाचकर भक्ति उन्होंने की है। कृष्ण के सामिप्य के लिए, साथ में रहने के लिए कभी लकुटी लेकर ग्वालों के साथ फिरने की बात करते हैं। कभी आगे के कार्य में कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, मनुष्य रसखान कभी कहते हैं कि मैं यदि मनुष्य बनू जन्म में तो मैं क्या बनूंगा। वसो मिली गोकुल गांव के बालन, गांव के बालों के बीच में रहकर मैं उनके साथ में रहना चाहता हूँ, ब्रज का बाला बनना चाहता हूँ यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो। जो पशु हो तो कहा बस ले लो, और यदि मैं पशु का होता हूँ तो क्या करना चाहूंगा। चरो नित नंदर की गेनू मजारा, नित्य यानी नित्य हमेशा नंद बाबा की गेनू यानी गायों के बीच में रहकर मैं गाय बनकर चलना चाहता हूँ। किसकी गाय? तो ये नंद बाबा की गाय। वहाँ पर ब्रज में रहकर नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच में रहकर वे चलना चाहते हैं गाय बनकर। जो उन्हें पशु का अवतार मिले तो, और जो यदि पाहन हो, पाहन यानी पत्थर, यदि मुझे पत्थर का अवतार मिले तो क्या करेंगे वे। जो इंद्र के कारण इंद्र ने सभी ऐसी कथा है कि ब्रजवासियों ने जो बरसात आता है ऐसे गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निषेध किया था और वे इंद्र की पूजा नहीं करते हैं, जिसके कारण इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और वे खूब बरसात बरसाते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं, आपकी कचरी आंगी जिन्हें कैसी आवे ना, उसमें पर्वत को धारण कर लेते हैं और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। तो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे कृष्ण ने अपने अंगुली के ऊपर धारण किया था। और जो खग, खग यानी पक्षी, और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कहाँ पर निवास करना चाहूँगा। रसकंदर कहते बसेरो करो मेरी कालिंदी कुल कदम्ब की धारण, कालिंदी यानी यमुना नदी जिसका रंग काला है थोड़ा, जिसके कारण उसे कालिंदी कहा गया है। यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है जहाँ पर बैठकर कृष्ण भगवान ने लीलाएं की थी, उसी वृक्ष का मैं पक्षी बनना चाहता हूँ और उसके ऊपर बैठना चाहता हूँ। कभी भी कितनी सुंदर कल्पना है कि यदि उन्हें मनुष्य का अवतार मिले तो वे गोकुल का, गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहेंगे। यदि उन्हें पशु यानी जानवर का अवतार मिले तो वे नंद की गाय बनना चाहेंगे। जो ब्रज में है नंद, जिसके जिन्होंने कृष्ण को पाला था। जो पत्थर बनना चाहते हैं, पत्थर बने थे तो वे जिसे कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया था ऐसे पत्थर का पत्थर, वैसे पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और जो पक्षी बने का अवतार नहीं मिले, पक्षी बने जन्म में तो बार जाकर कृष्ण ने जिस वृक्ष पर बैठकर लीलाएं की थी उस वृक्ष का वह पक्षी बनना
चाहते हैं। इस प्रकार राजस्थान ने हिंदू कवियों से भी आगे जाकर केवल मनुष्य ही परंतु पशु पक्षी पत्थर सभी की बात की है कि मैं सभी प्रकार कृष्ण के साथ में रहना चाहता हूँ। अब इसके आगे की बात, इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। आप इस काव्य को पढ़कर और उसे याद करने का प्रयत्न